तो गाइस आज मैं आप लोग कुछ इस टाइप का डार्क एंड सिल्वर टोन फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा और भी लाइट मैप को यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके में। तो गाइस इस एडिटिंग को सीखने के लिए आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए अभी तो बात के बिना आज के वीडियो को कर लेते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को अपना फोन में लाइटम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एडवर्टाइज क्वेश्चन यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो इसी एडवर्टाइज क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करके अपना फोटो को ऐसे सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है जिस भी फोटो को आप लोगों को एडिटिंग करनी है। तो हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए वाला फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लोग ऐड पर क्लिक करके अपना फोटो को यहाँ पर लाइटम ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो हमारा फोटो यहाँ पर अभी लाइटम ऐप के अंदर ऐड हो चुका है और ऐड होने के बाद आप लोग यहाँ पर अभी ऑल फोटोज पर क्लिक करके अपना फोटो को ऐसे ओपन कर लें। तो हम यहाँ पर अभी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर अभी ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले आप लोग चले जाने कलर का ऑप्शन में। तो गाइस येरा कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है इस आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करके आप लोग रखना है यहाँ पर 21 के आसपास और यहाँ पर इसके टीन को भी आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो टीन को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 12 के आसपास रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका वाइब्रेंस को भी आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो वाइब्रेंस को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 14 के आसपास रख लेना है। ठीक है, देन गाइस इधर से अभी आप लोग चले जाने मिक्स टूल का ऑप्शन में। तो गाइस येरा मिक्स टूल का ऑप्शन, तो इसी मिक्स टूल पर आप लोग क्लिक करना है और मिक्स टूल पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका रेड कलर का जो सैचुरेशन है तो इसे यहाँ पर आप लोग इंक्रीज करना है। तो इसे यहाँ पर इंक्रीज करके आप लोगों को 34 के आसपास रखना है और यहाँ पर इसका लुमिनस जो है इसे आप लोग यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो लुमिनस को डिक्रीज करके यहाँ पर आप लोगों को -16 के आसपास रखना है। देन गाइस इधर से भी लोग चले जाना ऑरेंज कलर में और ऑरेंज कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका लुमिनस को आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्लस करना है। ठीक है, तो इसका लुमिनस को प्लस करके आप लोग 20 के आसपास रखना है और उसके बाद आप लोग चले जाने ग्रीन कलर में और ग्रीन कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका ही को आप लोग बिल्कुल ही डिक्रीज कर लें -100 और यहाँ पर इसके सैचुरेशन को भी आप लोग डिक्रीज कर लें -100 और यहाँ पर इसके लुमिनस को भी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिक्रीज करें। तो लुमिनस को आप लोग डिक्रीज करके -32 के आसपास रख लेना है। देन गाइस अभी आप लोग चले जाने येलो कलर में और येलो कलर में जाने के बाद यहाँ पर भी इसका ही को आप लोग फुली डिक्रीज कर लें -100 और यहाँ पर इसके सैचुरेशन को भी आप लोग फुली डिक्रीज कर लें -100 और यहाँ पर इसका लुमिनस को भी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिक्रीज करें। तो लुमिनस के यहाँ पर आप लोग डिक्रीज करके -15 के आसपास रख लें। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप लोग चले जाए ब्लू कलर में और ब्लू कलर में जाने के बाद या फिर इसका ह्यू को आप लोग यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो इसका ह्यू को आप लोग डिक्रीज करके -35 के आसपास रखना है और या फिर इसका सैचुरेशन को इधर पर लोग प्लस करना है। तो सैचुरेशन को प्लस करके इधर पर लोगों को +34 के आसपास रखना है और या फिर इसका लुमिनस को आप लोग इधर पर डिक्रीज करना है। तो लुमिनस का डिक्रीज करके आप लोगों को -42 के आसपास रखना है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग चले जाने पर्पल कलर में और पर्पल कलर में जाने के बाद यहाँ पर बस आप लोग ह्यू को ही डिक्रीज करना है -100। देन ऐसे लोग और कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे लोग डन करना है और डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग चले जाने अभी कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन में। तो गाइस एरा इधर पे कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक एरो का ऑप्शन इधर पे दिखने को मिलेगा। तो इसी एरो का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका शैडो टोन का ह्यू अमाउंट को इधर पे आप लोगों को 244 के आसपास रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका सैचुरेशन को भी इधर पर आप लोग इंक्रीज करना है। तो सैचुरेशन को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 17 के आसपास रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग इधर से चले जाने मिड टर्म्स में और मिड टर्म्स में आने के बाद यहाँ पर इसका ह्यू अमाउंट को इधर पर आप लोगों को 207 के आसपास रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इसके सैचुरेशन को भी इधर पर आप लोग इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर इसके सैचुरेशन को इधर पर आप लोगों को 47 के आसपास रखना है। ठीक है, देन गाइस आप लोग कुछ स्टेप से स्वाइप करना है और स्वाइप करके दोस्तों यहाँ पर आप लोग ब्लेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग का अमाउंट को इधर पर आप लोगों को 60 के आसपास रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका बैलेंस को इधर पर लोग माइनस करना है। तो बैलेंस को माइनस करके इधर पर लोगों को -52 के आसपास रख लेना। ठीक है, देन दोस्तों ऐसे भी आप लोग और कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे लोग डन कर लेना है और डन कर लेने के बाद दोस्तों ऐसे भी आप लोग चले जाने इफेक्ट क्वेश्चन में। तो गाइस एर इधर पे इफेक्ट क्वेश्चन, तो इसी इफेक्ट क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका क्लैरिटी जो है तो इसे यहाँ पर आप लोग इधर पर इंक्रीज करना है। तो क्लैरिटी को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 16 के आसपास रखना है और यहाँ पर इसका डीएच को भी आप लोग यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो डीएच को इंक्रीज करके इधर पर आप लोग 9 के आसपास रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका विग्नेटी का जो अमाउंट है इसे आप लोग यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो विग्नेटी को डिक्रीज करके इधर पर आप लोगों को -40 के आसपास रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट को आप लोग इधर पर 0 कर लेना है और एफ इसके फेदर को भी आप लोग यहाँ पर बढ़ा लेना है। तो फेदर को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को 74 के आसपास रखना है। ठीक है, और उसके बाद उस त्यास आप लोग चले जाने डिटेल्स का ऑप्शन में। तो गाइस इधर इधर पे डिटेल्स का ऑप्शन, तो इसी डिटेल्स का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है और डिटेल्स पर क्लिक करके दोस्तों आप इसका शार्पनिंग को आप लोग थोड़ा सा भी इंक्रीज करना है। तो शार्पनिंग को इंक्रीज करके आप लोग इधर पे 12 के आसपास रखना है और आप इसका मास्किंग को इधर पर आप लोगों को 66 के आसपास रखना है और आप इसका नॉइस रिडक्शन के इधर पर आप लोगों को 50 के आसपास रखना है। ठीक है, और आप इसका कलर नॉइस रिडक्शन को इधर पर आप लोगों को 56 के आसपास रख लेना है। ठीक है,
देन गाइस इधर से भी चले जाना लाइट्स क्वेश्चन में। तो गाइस इधर पे लाइट्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट को आप लोग इधर पे माइनस करना है। तो कॉन्ट्रास्ट को माइनस करके यहाँ पर आप लोग को -29 का स्पेस रख लेना है और इतना काम हो जाने के बाद आप लोग फोटो यहाँ पर कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे मॉडल का फॉर रीडिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो पूरा का पूरा एडिटिंग यहाँ पर हो चुका है। सो कुछ इस टाइप से आपको भी अपने फोटो को एडिटिंग करना है और एडिटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ सब लोग अपने फोटो को सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोग शेयर क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो इसी शेयर क्वेश्चन पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आप लोग सेव टू डिवाइस पर ऐसे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग फोटो आप लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। और एक बार दोस्तों इस फोटो एडिटिंग का प्रीसेट का लिंक भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग जाकर वैसे प्रीसेट को भी डाउनलोड कर सकते हो।